प्रदेश जिले में चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान के तहत आज दिनांक पुलिस अधीक्षक देवास शिव दया सिंह के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्नूल सूर्यकांत शर्मा SDOP बागली राकेश व्यास के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी हाटपिपलिया के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक सज्जन सिंह मीणा पुलिस चौकी नेवरी थाना हाटपिपलिया द्वारा अवैध कच्ची शराब कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोहर सिंह पिता सज्जन सिंह मोरिया उम्र 50 साल निवासी नाम धरोई के कब्जे से 55 लीटर आज भट्टी की कच्ची शराब जब्त कर गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध धारा 34 एक का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया, इसे जिला भेजा गया। उक्त कार्रवाई में पुलिस चौकी नेवरी के आरक्षक रमन मिश्रा, आरक्षक भरत चरपोटा, सैनिक बॉबी सिंह व सैनिक सागर सिंह का विशेष योगदान रहा। हाँ, ये अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी की धरपकड़ के तहत पता रसी करते हुए इलाके में पहुंचा था तो मुझे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम धनोरी में मनोहर सिंह पिता सजन सिंह मोगिया अवैध रूप से आध भट्टी की कच्ची शराब बनाकर बेचता है, जिस पर से आरोपी मनोहर सिंह को पकड़ा और उसके कब्जे से करीब 55 लीटर आध भट्टी की कच्ची महुआ शराब जब्त कर गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाना है। आरटीबी तहसीलदार नरेश चौहान की रिपोर्ट।